अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एमबीपीजी कॉलेज में प्रस्तावित जिला सम्मेलन ने एबीवीपी और छात्र संघ के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कॉलेज प्रशासन ने सम्मेलन के लिए अनुमति दी है, जबकि छात्र संघ पदाधिकारी सम्मेलन का विरोध कर रहे हैं। अब इसी विवाद के चलते आज छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया एमबीपीजी कॉलेज स्थित लाल बहादुर शास्त्री बहुउद्देशीय भवन की छत पर चढ़ गयी और वहाँ से कूद कर जान देने की धमकी दी। वही कॉलेज प्रशासन पर दबाव में आकर एबीवीपी के सम्मेलन की अनुमति देने की बात कही है। इस मौके पर खासा बवाल हो गया, जिससे सभी लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं पुलिस प्रशासन सहित सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह मौके पर पहुंची और बातचीत कर समझाने का प्रयास किया। अभी जल्दी बोलो, तीस तारीख को तुमने जो लेटर दिया उसके भी पे दो, उसके छात्र अध्यक्ष हो, कॉलेज के प्रथम है, हो प्रिंसिपल की बात वो प्रथम है। पिछले 4-5 दिनों से छात्र संघ के सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज के अंदर किसी पार्टी विशेष का कोई कार्यक्रम की अनुमति आज तक नहीं दी गई है। और कहीं ना कार्यक्रम होना है, ये कार्यक्रम एवीपी का जिला सम्मेलन का कार्यक्रम था, जिसको भ्रमित किया जा रहा था कॉलेज प्रशासन द्वारा। कॉलेज प्रशासन द्वारा कहा जा रहा था कि हमने उसको कोई अनुमति नहीं दी गई। फिर 30 तारीख को एक लेटर इशू करा जाता है कॉलेज प्रशासन द्वारा। वो उस कॉलेज उस लेटर में साफ साफ लिखा जाता है कि अगर छात्र संघ के कोई भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे तो कॉलेज इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं देगा। और आज सडनली जब ये कार्यक्रम कल जब ये इतना तूल पड़ चुका है, तो आज सडनली कॉलेज प्रशासन किसी के दबाव में, सरकार के दबाव में आके ये कार्यक्रम कराने की अनुमति देता है, जबकि इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है। वो लेटर कहीं ना कहीं हम पे कॉपी भी पड़ी उसकी, मैं वो आप लोग को लेटर भी दिखा दूंगा। उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर छात्र संघ के कोई भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम का अगर वो करते हैं, विरोध करते हैं, तो वो कार्यक्रम नहीं हुआ। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि कार्यक्रम का भरपूर विरोध हो, क्योंकि छात्र संघ के सभी पदाधिकारी वहाँ पे चढ़े हुए हैं, और अगर इसमें किसी को भी होते तो कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार होगा। दिनों से विजय प्रकरण लगातार चल रहा था, जिसमें छात्र संघ के कार्यक्रम को लेकर लगातार विरोध कर रहा था। पूरी की पूरी छात्र संघ इस पर विरोध पर थी, जिस पर महाविद्यालय ने एक लिखित में एक दे दिया गया था, सूचना दे दी महाविद्यालय ने। जो जिन्होंने कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, उन्हें एक लिखित में सूचना दे दी गई थी कि भैया आपका ये कार्यक्रम महाविद्यालय के भीतर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसमें प्रतीत होता है कि संगठन का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यदि आप संगठन का कार्यक्रम नहीं भी कर रहे हैं, आप अगर कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उस पर यदि छात्र संघ आपत्ति करता है, तो ये कार्यक्रम तब भी संभव नहीं है। ये कॉलेज के द्वारा लिखित में दिया गया था, उसमें कॉलेज ने साफ साफ लिखा था कि सारे पदाधिकारियों की सहमति हस्ताक्षर के बिना ये कार्यक्रम नहीं होगा। ये बात थी आज दिनांक तक की। और देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि कल कार्यक्रम होना है, और कल कार्यक्रम होना है, उसके बाद आज दोबारा पुनः एक मीटिंग होती है और उसमें तय कर दिया जाता है कि सीधे सीधे कि भैया ये कार्यक्रम होना है। तो ये पूरी तरह से छात्र संघ के सारे पदाधिकारियों को गुमराह करने के लिए जो इतने दिन घुमाया गया, आज ये आवेश में आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिसका हम भी कह रहे हैं कि विरोध करने का इनका हाथ पर इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से नीचे उतर जाएं। कितने देर से हो गए, ये कोई रणनीति के तहत चली थी? के तहत होता तो इसका भी जिम्मेदार कॉलेज होगा, या चाहे कोई भी चीज़ है ना, इसका जिम्मेदार पूरी तरह से कॉलेज प्रशासन है। क्योंकि जब कॉलेज प्रशासन ने साफ साफ लिख के दे दिया, देखिए रणनीति तब बनाते ना जब कॉलेज ये पहले से घुमरा करता घुमाता कि नहीं दे पाएंगे, हो पाएगा, कन्फ्यूजन में रखता। कॉलेज ने तो क्लियर पहले ही कर दिया कि कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, दोनों सूरतें बता दी उन्होंने। उसके बाद आज ये करना, ये प्री प्लान कहाँ से हो सकता है? कोई महाविद्यालय ये कर रहा है, कोई पहले से जानकारी दी किसी को?